हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड काफ़ी निवेशक के कमेंट है कि सर, इसके अंदर एक्चुअली परफॉर्मेंस कैसा रखा जाए, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर बैठे थे रिजल्ट से, और रिजल्ट तो कुछ उतना अच्छा नहीं आया है। यानी कि देखिए, बहुत से निवेशक के भी यहाँ पर माइंड में रहता है कि हाँ, कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो दिखाई दे रहा है और उसे एक एक्सपेक्टेशन भी रहते हैं कि रिजल्ट से हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, बट रिजल्ट में तेज़ी नहीं, अभी गिरावट देखने को मिले। तो अभी यहाँ पर करें क्या, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसके अंदर अगर आपके पास हाई लेवल पर क्वांटिटीज़ खरीद कर आपने रखी हो तो आप एवरेज करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि देखिए, कंपनी की जो सिचुएशंस हैं वो प्रॉफिटेबल यहाँ पर बनने के लिए तैयार ही है, खाली थोड़ा कुछ समय कंपनी ले रही है। सिचुएशंस प्रेशराइज या यहाँ पर जो अभी इसके क्लाइंट हैं उनकी जो यहाँ पर कस्टमर की डिमांड है वो कम रहेगी, इसलिए इनको यहाँ पर ऑर्डर नहीं मिले हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट इनके बिजनेस पर हुआ है। और इनका एक आप थोड़ा पॉइंट नोट करेंगे तो इनके ऐसे नहीं कि इनके बिजनेस को बढ़ाने वाले कदम नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा और ऑब्जर्व किया होगा तो डिक्सॉन में ऐसा कोई हमें अपडेट देखने को नहीं मिला, ऐसा नहीं है, बहुत से अपडेट देखने को मिले हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने जॉइंट वेंचर किए, पार्टनरशिप किए, एक्वाइजेशन किए हैं और नए क्लाइंट भी खुद के साथ यहाँ पर जॉइंट किए हैं। ये सभी एक्शन अभी तो कुछ इम्पैक्ट नहीं करेंगे, इनको आगे आने वाले समय में बहुत तगड़े बेनिफिट देंगे। क्यों देखिए, क्योंकि अभी भी मार्केट में जो पोटेंशियल है बहुत से चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करके देने का और इंडिया की नंबर वन यहाँ पर कंपनी बनने का, यानी कि एक्सपोर्ट जो इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं उसके अंदर ये पूरे तैयारी में कंपनी लग चुकी है और वही तो गोल आगे रख कर ये कंपनी आगे बढ़ रही है। देखिए, अच्छे रिजल्ट नहीं आए, इतनी बड़ी गिरावट, अच्छे रिजल्ट आए इससे तगड़ी यहाँ पर गिरावट के यहाँ पर अपोजिट हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पर ये सिचुएशंस इस कंपनी के अंदर हमें जो दिखाई दे रही है वो कुछ लंबे समय के नहीं हैं। अभी आपको और एक बात बताता हूँ, मैं जो न्यूज़ आज यहाँ पर कवर करने वाला हूँ उसके अंदर काफ़ी यहाँ पर न्यूज़ अपडेट में यहाँ पर बड़े से बड़े ब्रोकरेज फर्म ने डिक्सॉन को रिकमेंडेड किया है आगे इम्प्रूवमेंट वाले टारगेट के साथ। अभी यहाँ पर मुझे बताइए, कंपनी के रिजल्ट ख़राब है तो भी पोटेंशियल है, ये सबको पता है। और मैं आपको यहाँ पर जो लेवल्स बताना चाहता हूँ कि आप इसके अंदर बाइंग करने के लिए भी शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी अंडरस्टैंडिंग करना, थोड़ा यहाँ पर ये भी अपडेट पढ़ लेते हैं कि क्या ब्रोकरेज फर्म कह रहे हैं। तो देखिए, जो ब्रोकरेज फर्म तरफ से 3,770 रुपये का टारगेट बताया गया, उसी के साथ देखिए यहाँ पर होल्ड करने का रिकमेंडेशन दिया गया है और वो 3165 रुपये का टारगेट बताया है। अभी ऐसे अलग अलग ब्रोकरेज फर्म ये क्या बता रहे हैं कि कंपनी की सिचुएशन कितनी अच्छी है वो बता रहे हैं और कंपनी के अंदर हमें बेनिफिट मिल सकते हैं वो भी यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अभी देखिए, डिक्सॉन के साथ करें क्या, अभी बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जिनके अंदर गिरावट है और आपको ये भी पता होगा ही बिल्कुल, क्योंकि अदानी स्टॉक भी गिर रहे हैं और उसी के साथ उनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा गिरने वाला भी स्टॉक कोई होगा तो डिक्सॉन ही हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उनके 20% शेयर्स गिर रहे हैं तो 20% गिरकर डिक्सॉन ने भी अपना रिकॉर्ड बना लिया है। तो अभी यहाँ पर देखिए, जैसे कि बड़े ब्रोकरेज फर्म ने क्या बताया है इस कंपनी के बारे में, इसके जो यहाँ पर आप डेली चार्ट्स वगैरह भी ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी का जो डाउन साइड है वो बता रहे हैं 2400 रुपये का लेवल एंड एक्सपेक्टेड अपसाइड यहाँ पर 3000 और उसके भी आगे 3200। और मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि 3500 ये मैंने बताया है और बाकी के जो ब्रोकरेज फर्म ने तो बता दिया, तो ये चीज़ें यहाँ पर रिकमेंडेड करते हैं कि आप यहाँ पर बने रह सकते हैं और एवरेज करने की कोशिश भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी देखिए, आपको एक सिंपल बात समझ में आती ही होगी और नहीं आती तो मैं बता देता हूँ, आपके शेयर यहाँ पर पोर्टफोलियो में है तो ऑलरेडी आप यहाँ पर उसके अंदर 20-25% करेक्शन में हो, या आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहा है कि हाँ
मेरे यहाँ पर जो शेयर्स खरीदे हैं उसमें से कोई शेयर्स यहाँ पर 15% या 20% या 25% करेक्शन में है, तो उसे एवरेज करना हमारे लिए सही है, क्योंकि आपका यहाँ पर लॉस तो कम हो रहा है, साथ ही आप एक क्वालिटी कंपनी के क्वांटिटीज़ एक बड़े डिस्काउंट के अंदर खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर पा रहे हो। और रिजल्ट में देखिए कौन सी चीज़ यहाँ पर कम है इस कंपनी में, तो अभी यहाँ पर रेवेन्यू, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू घटा है, और रेवेन्यू घटने का मतलब है सेल्स कम हुई है, ये बात याद रखना। बट कंपनी के अंदर एक आप और एक बात ऑब्जर्व करेंगे तो प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है, मार्जिन देखिए 43% से इम्प्रूव है, कंपनी कमाई कर रही है। सेल्स कम क्यों हो गई, क्योंकि अभी इसके जो भी यहाँ पर क्लाइंट है उनकी डिमांड नहीं होगी ना, डिमांड होगी तो बिल्कुल मार्केट में यहाँ पर इनके प्रोडक्ट सेल होंगे, और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आप सभी जानते हैं इनके बिजनेस पर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिक्सन के क्लाइंट इंडिया से ज़्यादा दूसरे देश से आते हैं, तो उनको जब भी ये प्रोवाइड करते तो उनकी डिमांड वैसी होनी चाहिए। तो ये सिचुएशन से देखिए सभी पॉइंट मैंने डिस्कस किए, ऐसा मत समझना कि भाषण दिया है आपको, इसके अंदर बहुत सी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने बताई है। कंपनियों के अंदर देखिए कभी भी ऐसा नहीं कि हमें हर वक्त तेज़ी देखने को मिल जाए, या ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर हमें रोज़ यहाँ पर तगड़ा प्रॉफिट हो जाए, बहुत सा समय लॉस में ही निकालना पड़ता है, और यहाँ पर देखिए इसलिए तो सक्सेस परसेंटेज कम है, और आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम के साथ ये कंपनी आपको एक उभरता हुआ सितारा बनते हुए नज़र आएगी। लेवल वगैरह मैंने सभी बताया आपको, उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।